will put on it. I am going to in court again. But ये मजाक नहीं हो रहा थी, मतलब ये एक प्रॉब्लम है. इसमें मेरे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, दे मतलब मैंने डीम कर चल भी आउट ऑफ द सिस्टम. मेरे डिस्ट्रिक्ट से जय राहुल आप मुझे बना के दें, अच्छा है बुरा है जैसा भी है मुझे होम ऑर्डर चाहिए. अभी तक जो है वो किसी भी पी एच ओ ने उसके अलावा कोई होगा आई डोंट गोइंग टू एक्सेप्ट. इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो सॉफ्ट एरियाज हैं उनको हम कवर कर लें, उस पर देखेंगे क्या उसमें उसमें मॉरल उसकी क्या जरूरत है, मतलब मॉरल्स गिराने की और अफवाहें फैलाने की. व्हाटएवर इज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा है वो उसी मौके पे हमने मीटिंग करा दी है. इंस्पेक्शन भी हो गए हैं, मतलब आपको अब जाने दें, ये तो आपकी सैनिक मुझे बड़ी जरूरत लगी है. आज की मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि हम फोकस करें यूसी फोर पे और वहाँ पे जो बाकी वर्कर्स हैं हेल्थ ऑफिसर्स हैं मेडिकल ऑफिसर्स हैं या जो भी पोलियो के साथ रिलेटेड हमारी पेरिफेरनेलिया है उसको हम बूस्टअप दे दें, उनका मोरल थोड़ा बुलंद करें. क्योंकि हमें सिक्योरिटी के हवाले से जो DIG ईस्ट हैं शाहिद हयात साहब उनके साथ मेरा रबता है और हमें मुझे मेरी इतला है कि वो जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके जो कल्प्रिट्स हैं वो कल पकड़े गए हैं. मीडिया में भी इसके हवाले से बात आई है. तो अब जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे चौकी परमानेंट वहाँ पे APC और पुलिस और रेंजर्स की प्रेजेंस वो हम बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे आए, ताकि जो थ्रेट वैक्सीनेटर्स को महसूस हो रहा है उसको हम डिसवेट कर सकें, ख़त्म कर सकें. ये जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है और ड्रेनेज के जो नाले वगैरह हैं वहाँ से ये सैंपल्स लिए जाते हैं और इसमें डिटेक्ट किया जाता है कि जी कौन से वायरसेस मौजूद हैं पोलियो के या नहीं हैं. तो अब ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि अभी यहाँ पे पोलियो का वायरस जो है वो दिखा है, बीच में ये काफ़ी हद तक खत्म हो गया था, उसके बाद ये दोबारा दिखा है, जिसमें ख़ास तौर पर ये जो कैंपेन को हमारे रोकने की कोशिश की गई उसकी वजह से जो है वो पोलियो की वहाँ पे प्रेजेंस नज़र आई है. लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि हम हर बच्चे तक पहुँचे और जब अगर हम हर बच्चे तक पहुँचने में कामयाब हो गए इंशाल्लाह तो ये वायरस जो है वो अगले सैंपल्स में आपको नहीं दिखेगा. आपको पता है कि अभी UC4 में लास्ट टाइम जो इंसिडेंट्स हुए हैं 2-3 इंसिडेंट्स वो काबिल रहम भी कह सकते हैं, काबिल सताइश भी कह सकते हैं. अल्लाह का फजल और करम है और तो हमारे यूसी में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर यूसी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है एज वेल एज इमिग्रेशन. लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, उसका कोई चेक बैलेंस है नहीं, है ही नहीं. अब डॉक्टर क्या करेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब हम नहीं पूछ सकते उनसे, ये हमारा पार्ट नहीं है. WHO वाले जो स्ट्रेटजी हमें देते हैं हम उस पर चलते हैं. आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि हमने लास्ट टाइम जो चीज़ नामुमकिन थी उसको हमने मुमकिन बना दिया. उसको उन बच्चों यानी एनवायरमेंटल सैंपल जो बदनाम तरीन UC4 का उसको हमने नेगेटिव कर दिया. देखें WHO वाले जो आए थे, अब आपको जो इंसिडेंट का पता है इसका कि ऐसे हुआ है कि गोली लगी है इंटरनेशनल बंदे को, तो ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं. हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम सिक्योरिटी देंगे. हेल्थ डिपार्टमेंट आपको क्या सिक्योरिटी दे सकता है. डिप्टी कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि आई एम ऑन टू इट. उन्होंने रेंजर्स के भी हेड से बात की है, पुलिस के भी हेड से बात की है, CM साहब से भी की है,
हर लेवल पे लीसी साहब ने बताया कि मैंने बात की है और इंशाल्लाह ताला देखें इंसिडेंसेस हो जाते हैं और उसको संभालना गवर्नमेंट का काम है। हम वी आर ऑन टू इट इंशाल्लाह ताला। अगर जैसे ही सिक्योरिटी थोड़े से हमें स्टेबिलिटी आ जाती है, कुछ लोगों का वर्कर्स के भी मॉरल को आपको बूस्टअप करना पड़ेगा, डॉक्टर्स भी इस वक्त थोड़े से परेशानी का, हम उनको कहेंगे आप यहाँ काम करने को बोले सर। हमारी मीटिंग थी असल में हमारे लास्ट पोलियो के रिव्यू के हिसाब से हवाले से भी थी और आइंदा का जो हमारे स्पेशल एक्टिविटी जो 27 अगस्त को हो रही है और जुलाई अगस्त का जो हमारा राउंड हो रहा है उसके हवाले से थी, जो कि इसके बाद अभी होने जा रहा है, तो उसमें हवाले से आज की जो मीटिंग थी उसमें डीसी साहब से तय किया था कि भी लास्ट टाइम जो हमारे मिसहैप हुआ है घटाप में उसके सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हमारे लोगों में काफ़ी मोरल डिस्करेज हुआ है कि जब कोई डॉक्टर्स को या टीमों को जख्मी किया जाए उनको मारा जाए, उसके लिए डीसी साहब का कंसर्न ये था कि हम किसी तरह से अपनी टीमों का मोरल को इनक्रेज करें, करेज किया जाए ताकि वो दिलजोई से काम कर सकें। प्रॉब्लम नहीं हमारे पास ऐसे थी, लेकिन प्रॉब्लम है। लास्ट एक दो दफ़ा हमारे यहाँ ये अपने पिपरी में हमारे यहाँ पठान कॉलोनी है, पश्तून है, मासूद कबायल लोग हैं, वो भी उसी तर्ज के लोग हैं जैसे गडाप में हैं, लेकिन वो उनमें हुआ था कि वो कतरे नहीं पिलाते लोगों को, तो हमने फिर जिस हिसाब के साथ जरगा वगैरह किया लोगों ने किया तो उसमें भी किसी हद तक हम सक्सेस हुए, लेकिन उसमें भी हमारी फीमेल टीमें वहाँ नहीं जाती, सिर्फ मेल भेजते हैं हम उसे, हमारा टाउन क्लियर है उसमें अभी तक, और आज नेगेटिव है और अभी तक हमारे यहाँ कोई अलग फर्ज करने पोलियो का केस आज तक नहीं हुआ है बिनका समय। दोबारा कौन सा दिन है जिससे पोलियो? अभी ये हमारे पास 27 अगस्त से स्टार्ट हो रही है स्पेशल एक्टिविटी, वो भी इस वजह से हो रही है कि अभी जो हमारे पॉजिटिव आने की वजह से, तो ये अभी दोबारा हमारे पास 27 अगस्त से शुरू हो रही है।